कराची में सिर्फ 6 दिन के दौरान 2 अफराद को डकैती मजाहमत पर कत्ल कर दिया गया, जबकि शहरी लूटमार की वारदातों से खौफजदा हैं। और कराची पुलिस को नाकाम करार देते हैं, आइए सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। गन पॉइंट पे मेरा भी मोबाइल छीना गया, ये तो बंद ही नहीं हो रही, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। हम तो पता नहीं लावारिस, ऐसे लग रहा है कि हम लावारिस है। जो 22 का हाल था वो ज़रा सही था, लेकिन 2023 का जो हमें लग रहा है स्टार्टिंग में जो ये चीज़ें हो रही हैं, तो आगे चल के ये पता नहीं है कि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। यार कराची में वारदात इतना ज़्यादा हो गया, मेरे से भी एक गाड़ी लेके गया 125 गाड़ी, सही है ना। हमने घर का साथ खड़ा किया था, चोर ने लेके गया। मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, लोग डर की वजह से ज़्यादा बाहर निकल भी नहीं सकते। गोली मार देनी चाहिए पकड़ के डकैतों को, मार दो, सजा नहीं होनी चाहिए, मार दो। कराची का कोई परसेने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और बिल्कुल कराची में जब बंदा सुबह घर से काम के लिए निकलता है, शाम को उसको ये पता नहीं होता है मैं घर में वापस आऊँगा नहीं आऊँगा। और मोबाइल तो अगर आजकल जेब में रखना तो ताला भी साथ लेके रहना होगा।